हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम एक बार फिर हाजिर हैं टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश के सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 41B। और ये एक्सरसाइज है एडवर्ब टू की। शुरू करते हैं। ही सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट। रूल्स तो आपने पढ़ ही लिए होंगे वीडियोज में। आइए सॉल्व करते हैं। सो की जगह पर टू आ जाएगा तो ही इज टू वीक और दैट ही कैन नॉट की जगह टू मूव अबाउट। क्लियर? नंबर टू, द बुक इज सो टू सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट फॉलो इट। द बुक इज टू डिफिकल्ट दैट आई की जगह फॉर मी टू फॉलो। इट लगाने की कोई जरूरत नहीं। नंबर थर्ड देखेंगे, हिज वॉइस इज सो रफ दैट ही कैन नॉट अट्रैक्ट हियरर्स। उसकी आवाज इतनी रफ है, खुरदुरी है, तीखी है, जो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे, हिज वॉइस इज सो की जगह टू रफ टू ये पार्ट उठा लेंगे अट्रैक्ट हियरर्स। क्लियर? नंबर फोर, द प्ले ग्राउंड इज सो फार ऑफ। खेल का मैदान इतना दूर है दैट की अ यंग बॉय कैन नॉट गो देयर। एक नौजवान बच्चा या लड़का नहीं जा सकता ऑन फुट पैदल। तो देखिए इसको कैसे हम रिमूव टू करेंगे। द प्ले ग्राउंड इज टू फार सो की जगह टू फार ऑफ फॉर अ यंग बॉय दैट की जगह फॉर कर देंगे टू गो, और जो दूसरा कैन नॉट है वहां टू गो देयर ऑन फुट। क्लियर? नंबर फाइव, ही स्पोक सो लो दैट ही कुड नॉट बी हर्ड। तो ही स्पोक सो की जगह टू लो दैट ही कुड नॉट की जगह टू बी हर्ड। You were so late that you could not hear the opening remarks. So you were too late. बार बार बता रहा हूं मैं, एक so को अंडरलाइन कर दिया है, दूसरा you could not को अंडरलाइन कर दिया है। तो so की जगह पर टू यानी कि जो एडवर्ब टू है, और दूसरा टू जो इन्फिनेटिव टू है वो you could not की जगह, तो टू hear the opening remark. नंबर सेवन, रामनाथ इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी इजीली डिसीव्ड। तो सो की जगह पर टू और दैट ही कैन नॉट की जगह सेकंड टू। तो रामनाथ इज टू क्लेवर टू बी इजीली डिसीव्ड। रामनाथ इतना चतुर है कि वो आसानी से डिसीव माने धोखा नहीं खा सकता या उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। नंबर एट, आई एम सो वीक मैं इतना कमजोर हूं इन इंग्लिश अंग्रेजी में दैट आई कैन नॉट सिक्योर पास मार्क्स कि मैं पासिंग मार्क्स या पास होने लायक मार्क्स नहीं पा सकता। तो एडवर्ब टू जब करेंगे तो आई एम टू वीक इन इंग्लिश टू सिक्योर पास मार्क्स। नंबर नाइन, माई हर्ट इज ओवर फुल ऑफ वर्ड्स। जब सेंटेंस में ओवर, वेरी या एक्सट्रीमली आए तो केवल टू लगाएं। तो माई हर्ट इज टू फुल ऑफ वर्ड्स। नंबर टेन और लास्ट एक्सरसाइज का, राम इज सो सिंपल दैट ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल। तो सो की जगह पे राम इज टू सिंपल, राम इतना सिंपल और सरल है टू बी अ प्रिंसिपल कि वो एक प्रिंसिपल नहीं बन सकता। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इंग्लिश भाई एस दोस्तों में। बाय।